रेटिना सर्जरी में अक्सर आँख में सिलिकॉन ऑयल डाला जाता है सिलिकॉन ऑयल का एक डाउनसाइड होता है कि उसे परमानेंट आँख में नहीं छोड़ सकते हैं उसे बाद में निकालना भी पड़ता है तो सिलिकॉन ऑयल को कैसे निकाला जाता है और उसे कब निकाला जाता है यही है हमारा आज का टॉपिक नमस्ते मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी सिलिकॉन ऑयल रेटना सर्जरी में एक बहुत ही यूज़फुल टूल के फॉर्म में उभर के आया है सिलिकॉन ऑयल कई दशकों से यूज़ हो रहा है और ये पर्दे को बहुत ही अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है पर्दा यदि जगह से हटा है या खिंचा हुआ है या पर्दे में बार बार ब्लीडिंग है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट है एक बार पर्दा हटने पे वापस वापस हट रहा है ऐसी सिचुएशंस में सिलिकॉन ऑयल का सपोर्ट लिया ही लिया जाता है और उससे बहुत ही अच्छा सपोर्ट पर्दे को मिलता है जिससे कि पर्दे के अटैचमेंट के रेट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं और एक बार जुड़ने पे वापस हटने का चांस काफ़ी कम हो जाता है तो सिलिकॉन ऑयल के सिर्फ फ़ायदे ही फायदे नहीं हैं थोड़े नुकसान भी होते हैं नुकसान इन द सेंस कि ये अपने आप आँख से डिसअपियर नहीं होता है आँख के अंदर ये रहता है तो इसे सर्जिकली निकाला जाए तभी ये आँख से निकलता है तो परमानेंट आँख को आँख में सिलिकॉन ऑयल को नहीं छोड़ा जा सकता है ऐसा क्यों क्योंकि ऑयल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है सफ़ेद मतलब एक बड़ा ब्लॉब ऑयल का धीरे धीरे छोटे 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 ड्रॉपलेट्स में डिवाइड होने लगता है यदि आप कोई भी नॉर्मल एक तेल लें और उसको एक ग्लास या कोई कटोरी में रख के उसे शेक करें तो आप देखेंगे कि वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो जाता है इस प्रोसेस को हम इमल्सिफ़िकेशन कहते हैं यानी एक से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो जाना एक बार ऑयल इमल्सिफाई हो जाता है फिर वो आग के अंदर पर्दे को उतना अच्छा सपोर्ट नहीं दे पाता है और छोटा होने की वजह से वही छोटे छोटे बबल्स आग के अलग अलग स्ट्रक्चर्स में जाके चिपकने लगते हैं फंसने लगते हैं ये आँख के अंदर सूजन करवा सकते हैं आँख का प्रेशर बढ़ा सकते हैं आँख की पुतली यानी कॉर्निया को भी ये डैमेज कर सकते हैं तो एक बार ऑयल सफ़ेद हो जाता है तो उसे निकालना ही पड़ता है तो सिलिकॉन ऑयल को हम परमानेंट तो नहीं छोड़ सकते आँख में बट एक क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सिलिकॉन ऑयल को आप कितने दिनों तक आँख के अंदर रखेंगे तो यदि आ, स्ट्रेट इसका आंसर मैं अगर दूँ तो हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है एटलीस्ट चार से छः महीने तक ऑयल को आग के अंदर रखने का उसका रीज़न ये है कि इतने टाइम तक अगर सिलिकॉन ऑयल रहता है तो जनरली वो सफ़ेद नहीं होता है और पर्दे को भी इनफ़ टाइम मिल जाता है हीलिंग का जब भी हम पर्दे की सर्जरी करते हैं तो उसमें पर्दे को या तो हम हटे हुए पर्दे को जोड़ते हैं या फिर ब्लड के ऊपर या ब्लड आया हुआ उसे क्लीन करते हैं पर्दे के ऊपर की झिल्लियों को क्लीन करते हैं तो ये सब ऑपरेशन ये सब प्रोसीजर्स के बाद पर्दे को हीलिंग के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है बॉडी हीलिंग करती है रेटिना की और उस हीलिंग में टा, टाइम लगता है जो हम लेज़र करते हैं रेटिना सर्जरी के दौरान वो लेज़र को भी इफ़ेक्टिव होने में कुछ हफ्तों का टाइम लगता है तो आ, एक आ, सेंटेंस में हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि ऑयल निकालना कभी भी जल्दी वाला काम नहीं होता ऑयल को हम ऑब्जर्व करते हैं आँख के अंदर रखते हैं और जैसे ही हमें इंडिकेशन मिलता है कि ऑयल सफ़ेद होने लगा है उसे हम निकालने का ऑप्शन पेशेंट्स को देते हैं आ, तो ये फोर टू सिक्स मंथ्स का टाइम ये हमारे यहाँ फॉलो होता है बट हर सर्जन का अपना अलग अलग एक टाइम होता है कुछ सर्जन्स अर्ली रिमूवल के भी फेवर में होते हैं कुछ सर्जन्स लेट रिमूवल के भी फेवर में होते हैं बट हम एक बैलेंस अप्रोच लेके चलते हैं और ये फोर टू सिक्स मंथ्स का टाइम हम देते हैं अच्छे से हीलिंग होने का जिससे कि बार बार पर्दे में प्रॉब्लम आने का डिटैचमेंट होने का ब्लीडिंग होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है तो ये सिलिकॉन ऑयल को इस तरह हम रखते हैं आँख में आ, कभी कभी जल्दी निकालने से प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर जल्दी निकालने तो पर्दा वापस हटने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं या बहुत लेट निकालते हैं तो उसमें ऑयल सफ़ेद होने लगता है बहुत ज़्यादा और उसकी वजह से आँख का प्रेशर बढ़ सकता है पुतली सफ़ेद हो सकती है और ऑप्टिक आप, नर्व में टोटल डैमेज भी हो सकता है तो हमें हमेशा ऑयल के साथ में पेशेंट्स को रेगुलर चेकअप के लिए हम बुलाते हैं कि एटलीस्ट आँख का हम प्रेशर चेक कर सकें ऑयल सफ़ेद होना शुरू हुआ है या नहीं वो चेक कर सकें और अप्रोप्रियट टाइम जब आता है तब उसे हम रिमूव करते हैं कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि हम ऑयल को जल्दी भी निकालते हैं या फिर सिक्स मंथ्स के बियॉन्ड और लेट भी निकालते हैं तो जल्दी हम कब निकालते हैं जब कभी कभी ऐसा देखा जाए कि ऑपरेशन के बाद प्रेशर काफ़ी हाई रहा है कभी कभी ऑयल की जितनी क्वांटिटी है उससे ज़्यादा ऑयल अगर आँख में जाता है तो फिर वो आँख के प्रेशर को बढ़ा देता है इस प्रेशर को आ, अगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं आ रहा है फिर इसमें हम ऑयल को निकालना पड़ता है मजबूरन कभी कभी पर्दा वापस से डिटैच हो जाता है या फिर ब्लीडिंग हो जाती है पर्दे के अंदर तो ऐसे केसेस में भी हमें ऑयल को निकालना पड़ता है और री सर्जरी के लिए पेशेंट को लेना पड़ता है आ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम लंबे टाइम तक ऑयल का सपोर्ट चाहते हैं ऐसे केसेस में हम डिफरेंट कैटेगरीज के सिलिकॉन ऑयल यूज़ करते हैं इन्हें हम हायर विस्कोसिटी के सिलिकॉन ऑयल्स कहते हैं नॉर्मल एक अराउंड थर्टीन टू फिफ्टीन हंड्रेड सेंटी स्टोक्स का सिलिकॉन ऑयल यूज़ करते हैं और एक जिनमें लॉन्गर टाइम के लिए हमें रखना है साल भर या उससे ज़्यादा के लिए ऐसे केसेस में हम हायर विस्कोसिटी का अराउंड थ्री थाउजेंड फाइव थाउजेंड सेंटी स्टोक का ऑयल यूज़ करते हैं इसका फ़ायदा होता है कि ये इमल्सिफाए या सफ़ेद होने का इसका लाइफ ज़्यादा होती है ये लंबे टाइम तक आँख के अंदर रह सकता है बिना सफ़ेद हुए और जैसे कि चोट वाले केसेस हैं या फिर पर्दा बहुत ज़्यादा फटा हुआ है या पर्दा पहले और कहीं ऑपरेशन हुए हैं और वो बार बार हट रहा है ऐसे केसेस में हम हायर विस्कोसिटी ऑयल यूज़ करते हैं ताकि लंबे टाइम तक एक पर्दे को हम सपोर्ट दे सकें और पर्दे को बेस्ट चांस मिले कि वो हीलिंग अच्छे से कर सके सिलिकॉन ऑयल रिमूवल के लिए माइनर सर्जरी करी जाती है अराउंड 15 टू तो 20 मिनट्स का ये सर्जरी रहता है और इसमें हम अंदर जाके सिलिकॉन ऑयल को बेसिकली वैक्यूम से सकआउट कर लेते हैं और उसकी जगह अपने आप वहाँ पे वाटर फिल हो जाता है उस टाइम पे अराउंड वन परसेंट केसेस में ऐसा देखा गया है कि सिलिकॉन ऑयल निकालते समय ही पर्दा या तो वापस हटने जैसा लगता है या फिर वापस ब्लीडिंग होने के अंदेशा रहता है ऐसे केसेस में रिस्क ना लेते हुए फ्रेश सिलिकॉन ऑयल वापस आँख में डाल दिया जाता है जिससे कि पर्दा अपनी जगह वापस अटैच हो जाए या फिर ब्लीडिंग का रिस्क उसमें ना रहे Uh, जैसा मैंने बोला अराउंड वन परसेंट या उससे कम में भी ऐसा होता है बट ये रिस्क हम सभी पेशेंट्स को बताते हैं क्योंकि किस में ये चीज़ होगी ये कहना मुश्किल रहता है बट उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना ज़रूरी है तो uh, ये कुछ मैंने आपको बातें बताई सिलिकॉन ऑयल रिमूवल के बारे में सिलिकॉन ऑयल रिमूवल में के निकालने के बाद जनरली मोस्ट ऑफ द सर्जन्स एक गैस भी आँख में फिल करते हैं ये एक टेम्प्रेरी सपोर्ट जैसा uh, आप मान लीजिए इसे क्योंकि गैस धीरे धीरे अराउंड चार से आठ हफ्ते में डिपेंडिंग कौन सी गैस डाली है वो आँख के अंदर से अब्जॉर्ब हो जाती है और अपने आप चली जाती है तो सिलिकॉन ऑयल रिमूवल के बाद गैस डाली जाती है और गैस में नज़र सिलिकॉन ऑयल से भी कम रहती है तो सिलिकॉन ऑयल में अगर जितना आपको दिख रहा था गैस डालने पर वो और कम हो जाता है बट टेम्प्रेरी अराउंड चार से आठ हफ्ते ऐसा दिखता है फिर वो गैस बबल चला जाता है तो फिर आपकी नज़र वापस आ जाती है जितनी शक्ति आपके पर्दे या नस में है तो ये एक ओवरव्यू था सिलिकॉन ऑयल को निकालने के बारे में उसे कब निकाल सकते हैं क्यों निकाला जाता है और कितने टाइम में उसे निकालना चाहिए इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें ताकि मैं उनके जवाब दे सकूं। अच्छा देखिए अच्छे से देखिए धन्यवाद और नमस्ते